एमबीबीएस की ट्यूशन फीस कितनी होती है, एमबीबीएस में हॉस्टल में कितना खर्चा आता है, एमबीबीएस की बुक्स कितने की पड़ती है, एमबीबीएस अगर प्राइवेट कॉलेज से किया जाए तो खर्चा कितना आता है, एमबीबीएस करने अगर मैं अब्रॉड चली गई या चला गया तो कितना खर्चा आएगा, एमबीबीएस किसी गवर्नमेंट कॉलेज से किया जाए तो कितना खर्चा आएगा। अगर एक लाइन में बात करूँ तो एमबीबीएस में कितना पैसा लगता है, वो चाहे हमारे YouTube का कमेंट सेक्शन हो या हमारे Instagram का, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि खर्चा कितना आता है MBBS में। तो आज आपके उन सभी सवालों को एक इस वीडियो के थ्रू मैं आंसर करने वाली हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना मत भूलना एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलना जिनके सेम डाउट्स हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, आई एम कैफीन, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला एंड वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर डार्क एंड कैफीन। और इस चैनल में आपको मिलेंगे हमारे एमबीबीएस लाइफ से रिलेटेड ब्लॉग्स, एमबीबीएस इंटर्नशिप से रिलेटेड ब्लॉग्स जो डॉक्टर डार्क के होते हैं, और कुछ हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो हम आपके साथ शेयर करेंगे टू मेक योर एमबीबीएस लाइफ इजियर। So do consider subscribing our channel if we motivate you or make you learn something in any way and your subscription means a lot to us. Let's start the video. तो आप MBBS कर कहाँ से रहे हो, इस पर ही सबसे ज्यादा depend करता है कि आपकी MBBS की fees कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप MBBS किस किस तरह से कर सकते हो। First आता है government colleges, second आता है private colleges and third आता है abroad colleges. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस से। गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी फर्दर या तो स्टेट कॉलेज हो सकता है या फिर सेंट्रल कॉलेज हो सकता है। सेंट्रल कॉलेज में आता है हमारा एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और स्टेट कॉलेज में आता है किसी भी आप स्टेट का कोई कॉलेज ले सकते हो, जैसे कि हमारा ही है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला। मैं आपको एम्स और अपने कॉलेज की फीस के बारे में बताऊंगी, बाकी सारे फीस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बाकी स्टेट के कॉलेजेस के, क्योंकि सभी स्टेट के कॉलेजेस की फीस बताना अभी पॉसिबल नहीं होगा। और ये सारी फीस डिफर करती है वैसे तो स्टेट के अकॉर्डिंग, जो सेंट्रल कॉलेजेस होते हैं एम्स उसकी हर जगह एम्स की फीस सेम ही होती है, बट स्टेट की जो फीस होती है वो बहुत ज्यादा वेरी करती है। कहीं थाउजेंड्स में आपको फीस मिलेगी तो कहीं लैक्स में फीस मिलेगी। बट मैं अपने कॉलेज की बात कर रही हूँ तो मैं वहीं की फीस के बारे में आपको बताऊंगी और एम्स के फीस के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एमबीबीएस में खर्चा आता कहाँ पे है। ये मैं वो खर्चा बता रही हूँ जो सबको पे करना ही होता है, जिसमें इंक्लूड होगा ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस एंड बुक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं एम्स की। एम्स की जो ट्यूशन फीस है वो इतनी है और जो हॉस्टल फीस है वो इतनी। तो अगर मैं इनको ऐड करूँ तो वी कैन से कि अराउंड 6000 है मैक्स जितना हमें पे करना होता है एम्स के लिए। बुक्स का पर ईयर कितना खर्चा आता है ये मैं लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि वो तो सभी कॉलेजेस के लिए कहीं से भी आप ले रहे हो वो सेम ही रहेगा। तो अभी मैं सिर्फ ट्यूशन फीस और जो हॉस्टल फीस होती है उसके बारे में ही बताऊंगी। तो जैसा कि मैंने आपको एम्स का बताया कि इट्स अराउंड 6000 फॉर द होल कोर्स। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि इस यूनिवर्सिटी की एनुअल फीस। अब मैं बात करती हूँ स्टेट के कॉलेजेस की, तो मैं अपने कॉलेज की बात करती हूँ तो हमें अपने कॉलेज के लिए जो ट्यूशन फीस होती है वो 60000 देनी होती है फर्स्ट ईयर, और जो हॉस्टल फीस होती है वो 24000 समथिंग होती है। तो अगर मैं एक ईयर का बात करूँ तो इट्स अराउंड 80 to 90000, बट सेकेंड ईयर हमें 50000 ही पे करना होता है, तो ये कम होके 70000 के अराउंड आ जाता है। तो अगर मैं पूरे कोर्स की फीस की बात करूँ तो इट इज अराउंड 3 lakh to 4 lakh पूरे कोर्स की, मतलब हमारी पूरी एमबीबीएस इतने पैसों में हो जाएगी। ये तो बताया था मैंने आपको अपनी स्टेट के बारे में, बट ये जो मैंने आपको रेंज बताई ये बहुत सारी स्टेट में बहुत डिफरेंट है। तो ये सच में स्टेट पे डिपेंड करता है बहुत ज्यादा कि फीस कितनी है। प्लीज गो थ्रू द लिंक आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पे आपको स्टेट वाइज दिख जाएगा कि कॉलेज की कितनी फीस है, तो आप उस हिसाब से अपने स्टेट का देख सकते हो। हमारी फीस थाउजेंड्स में है, किसी स्टेट में लाख में भी होती है। तो ये तो थे गवर्नमेंट कॉलेजेस की ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस। अब बात करते हैं हमारे प्राइवेट कॉलेजेस में। इंडिया में अराउंड 42 डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, इसमें अराउंड 6204 एमबीबीएस सीट्स है, बट इसकी जो फीस होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। इसका भी स्टेट के अकॉर्डिंग बहुत वेरी करता है वैसे तो जो फीस होती है, और ये लाख से करोड़ तक चला जाता है। इसका भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिसमें आपको सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज की उनकी ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस पर एनम के हिसाब से
आपको मिल जाएगी, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हो। तो आपको पता चले गया होगा कि जो अब प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें जो 50% सीट्स होगी उनकी जो फीस होगी वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के इक्वल ही होगी। तो ये तो था प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। अब बात करते हैं MBBS फ्रॉम अब्रॉड में कितना पैसा लगता है। तो देखो, फॉरेन से MBBS करने के लिए वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे कि रशिया, बांग्लादेश, किर्गिस्तान और भी बहुत सारी। तो MBBS का कोर्स होता है वो किसी कंट्री में 6 years का भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ थोड़ा लैंग्वेज बैरियर भी होता है तो उसको ओवरकम करने के लिए एक एक्स्ट्रा साल लग जाता है। बट वहाँ की जो फीस होती है टोटल कोर्स की फीस, वो अगर हम इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस से कंपेयर करें तो वहाँ से कम होती है। तभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस को प्रेफर नहीं करते हैं, दे प्रेफर कि बाहर जाके अब्रॉड से ही MBBS की जाए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपके पास बेटर ऑप्शन है जहाँ आपको कम पैसे देने पड़ रहे हैं सेम कोर्स के लिए। तो अगेन ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री गए हो MBBS करने के लिए, आपकी फी भी उसके हिसाब से ही डिसाइड होती है। तो आपको मिनिमम 15 लाख से 3 लाख ट्यूशन फीस लग ही जाती है अगर आप फॉरेन से MBBS कर रहे हो, और जो आपके हॉस्टल्स के स्पेंड करते हैं तो अराउंड आपको 30 से 50 लाख में आपकी MBBS कोर्स हो सकता है अब्रॉड से। एंड अगेन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में कोर्स कितने ईयर का होता है और वहाँ की फीस कितनी होती है, क्योंकि ये कंट्री वाइज भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है, और इसलिए मैंने आपको लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में। वैसे ये चार्ट भी ये डिपेक्ट कर ही रहा है कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, जैसे रशिया में क्या फीस है, उसमें भी पर्टिकुलर कॉलेज में कितनी फीस है, ये आपको मेंशन किया है। तो ये तो बात थी कॉलेज के ट्यूशन फीस और कॉलेज की हॉस्टल फीस की। अब बात करते हैं बुक्स कितने की मिलती है MBBS कोर्स में। बुक्स तो हर कॉलेजेस में आपको खुद ही लेनी पड़ेगी और वो प्राइस भी सेम ही होगा। अब बात ये है कि सारी बुक्स लेना जरूरी नहीं होता है, मैं इससे पहले ही आपको क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें जैसे कि iPad, टैबलेट आ चुका है, तो आप इजिली टेलीग्राम से वो बुक डाउनलोड कर सकते हो और इजिली एक्सेस कर सकते हो पूरी बुक को, वो भी लेटेस्ट एडिशन। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है हमारे चैनल का। पिछला वाला चैनल बैन हो गया था, आई डोंट नो क्यों हो गया था, मैंने उसका दिमाग खराब किया भी नहीं, बट न्यू चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे बुक्स डाउनलोड कर देना। तो अब बात करते हैं कि बुक्स का खर्चा आता कितना है। तो बुक्स का भी मैं सबसे पहले यही बताना चाहूंगी कि मैं हर सब्जेक्ट की एक एक बुक ले रही हूँ, जो बुक मैक्सिमम यूज की जाती है मैं उसके प्राइस के हिसाब से एवरेज बता रही हूँ कि इस ईयर में इतना खर्चा आएगा। बाकी जरूरी नहीं है कि वो बुक आप खरीदने ही वाले हो, क्योंकि वो आप जरूरी नहीं है कि आप वो खरीदोगे, आपको टेलीग्राम से भी ले सकते हो, या फिर जिस ऑथर की बुक मैं बता रही हूँ आप वो ऑथर की बुक नहीं देखते हो। तो वही है कि ऑथर पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है प्राइस का। और तो मैं जो कॉमन बुक्स है जो सभी यूज़ करते हैं उसके हिसाब से पर ईयर का आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर का 6,000 से 9,000 तक आ सकता है। तो मैं ये मैक्स बता रही हूँ क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में होते हैं तो हम सारी बुक्स लेना प्रेफर भी करते हैं, क्योंकि हमें उतना स्टार्टिंग में लगता नहीं है कि ये बुक भी यार इम्पॉर्टेंट होगी, ये भी होगी, प्रैक्टिकल फाइल्स, प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स, वो सब हम ले लेते हैं, बट धीरे धीरे हमें रियलाइज होता है कि यार इस बुक की कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे ये कम भी हो सकता है, ये आप पे पूरा डिपेंड करता है कि आप कितनी बुक्स कम लेते हो, क्योंकि iPad अगर आप फर्स्ट ईयर से यूज़ कर रहे हो तो आप मोस्ट ऑफ दी बुक्स आपकी उसी में होगी। तो अगर मैं बात करूँ सेकेंड ईयर की, उसका खर्चा भी अराउंड 4 से 6 हज़ार तक आता है, और थर्ड ईयर का भी सेम 4 से 6 हज़ार, और फिर फाइनल ईयर में सबसे बुक सबसे ज़्यादा महंगी हो जाती है, क्योंकि अगर तो आप जैसे हैरिसन बुक लेने लग गए तो आपके 10-1 हज़ार तो ऐसे ही लग जाएंगे। आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑथर की बुक लेना चाहोगे और कि आप उसको आईपैड में लेना चाहोगे। तो उसी तरह फाइनल ईयर में अराउंड 10,000 का खर्चा आ जाता है। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज, अगेन दिस इज ऑन एन एवरेज में बात करूँ, तो ये 30,000 से 35,000 तक अराउंड आपका खर्चा आ जाएगा बुक्स में, और ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसको कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो। तो अब इस पूरी वीडियो की मैं समरी बताने जा रही हूँ। मैं अब ऐड करने वाली हूँ ये हॉस्टल फीस, ट्यूशन फीस और बुक्स का होल प्राइस, और मैं आपको 1-2 लाइन्स में ही ये सम अप करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की। गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी सबसे पहले एम्स की, तो अगर मैं सारी फीस ऐड कर लूँ तो बुक्स को इंक्लूड करके, तो ये अराउंड 30,000 to 40,000 का पूरा खर्चा आएगा आपका MBBS करने में एम्स से। और अगर आप यहीं किसी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो, जैसे कि मैंने अपने कॉलेज का एग्जांपल दिया है, तो आपको अराउंड 4 से 5 लाख लग जाएंगे टोटल पूरी MBBS करने में। वहीं अगर मैं बात करूं प्राइवेट कॉलेजेस की, तो 50 लाख से करोड़ों तक बात जा सकती है। वहीं अगर अब्रॉड से MBBS की बात करूं, तो 30 लाख से 50 लाख तक
ऑन एन एवरेज आपके लग सकते हैं। दिस वॉज द होल सम अप ऑफ द वीडियो। तो सबसे ज्यादा बेस्ट यही है कि एम्स के लिए तैयारी करो क्योंकि सबसे कम फीस है, और सेकेंडली इसकी ये स्टेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में हो, आपकी फीस उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो जो लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए उसे पहले देख लेना, उसके बाद ही कोई कमेंट करना कि ये तो आपने गलत बताया कि ये की फीस ज़्यादा है। तो बस पहले एक बार अच्छे से वीडियो देख लेना, और मुझे ये भी बताना कि आप इन सब कॉलेजेस में से आप कौन से कॉलेज में जाना चाहोगे। वैसे मुझे पता है सब एम्स बोलेंगे, फिर भी एक बार डिस्क्रिप्शन में बता देना कि आप सब लोग कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। एट द एंड मैं यही बताना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़ा मिथ है कि MBBS वही कर सकते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, और ऐसे भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहाँ पर आप मिनिमल कॉस्ट में MBBS कर सकते हो, और कुछ ऐसे भी मेथड्स हैं जिससे आप अपनी पूरी फीस माफ करा सकते हो जैसे कि स्कॉलरशिप। तो चुपचाप पढ़ो और अच्छे से MBBS कॉलेज में एडमिशन लो और अपना सपना पूरा करो। ज्यादा ज्यादा बस इतना बोलना चाहूंगी कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या फिर आपके कुछ हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना मत भूलना अगर आप MBBS बुक्स फ्री में चाहते हो। ऑल्सो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि मैं अपने टेबल को, स्टडी टेबल को कैसे डेकोरेट करूँ, क्योंकि मैं डेकोरेशन में उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ, बट आई वॉन्ट इट टू लुक ग्रेट। तो प्लीज डू हेल्प मी इन द कमेंट बॉक्स और गिव मी सम आइडियाज कि हाउ आई कैन डेकोरेट माई वॉल और टेबल प्लीज। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।